दोस्तों आज हम ट्रैवल कर रहे हैं सियालकोट से, सीधा जाएंगे हम जंग। देखते हैं कि ये एक बैट्समैन का मुजस्मा लगाया गया है इस चौक में। टारगेट कितना किराया लाओगे? एक बात तो तय है कि जब बंदा प्रदेश से वापस जा रहा होता है, हमें टाइम मिल गया है जंग का। हमने फ्रूट ले लिए। अच्छा जी, अब हम चिंचोर से निकल चुके हैं। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। आपको टाइगर ऑफ चिंचोर का सलाम। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से सियालकोट से रवाना होंगे और बाय बस जाएंगे और सीधा जंग जाएंगे। तो आपने ये व्लॉग एंड तक देखना है। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना है। तो चलें आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अच्छा जी, अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे सरदार बेगम चौक में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चौक में एक बैट्समैन का मुजस्मा जो है वो लगाया गया, क्योंकि सियालकोट जो है वो खेल के सामान के हवाले से मशहूर है, और पाकिस्तान टीम की जो किटें, बैट वगैरह, ये जो दिगर सामान जो है क्रिकेट का, वो यहीं से जाता है। फुटबॉल का सामान भी यहीं से जाता है। तो मैं आपको वो पीछे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बैट्समैन का मुजस्मा लगाया गया है चौक में। तो चलिए आपको आगे इसका भैया वाल दिखाएंगे इस वीडियो में। कितना किराया लाओगे? नहीं फिर भी दसोगे तो उसी दसोगे तो फिर 70? नहीं 70 50 रुपए 50 यार। फाइनली हम रक्षा में बैठ चुके हैं और अभी हम जो है वो जा रहे हैं लारेटा की तरफ। तो कुछ देर में लारेटा में पहुंच जाएंगे। उम्मीद है हमें जो है जान की बस जो है वो मिल जाएगी। अभी हम जो है वो फाटक क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, और इसके बाद जो है वो आगे जाएंगे। एक बात तो तय है कि जब बंदा प्रदेश से वापस जा रहा होता है ना, अपने घर या गांव में या अपने शहर में जा रहा होता है, तो वो बंदा बड़ा खुश होता है। ज़ाहिर सी बात होती है कि आप अपने शहर जा रहे होते हैं, अपने गांव जा रहे होते हैं, और ये जो लम्हा होता है ना, ये एक मैं कहता हूँ कि एक खुशी का लम्हा होता है। फैमिली जो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ऑफिस, और साथ ये जनरल बस स्टैंड है। तो हम जनरल बस स्टैंड की तरफ जाएंगे। ये सामने जनरल बस स्टैंड की तरफ हम जा रहे हैं, और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ से सीधा जो है वो सियालकोट कैंट है। सामने आपको कुछ उसका बोर्ड नज़र आ रहा होगा। ये रहा सियालकोट कैंट। तो हम जाएंगे इस तरफ क्योंकि लारेटा इस तरफ है। चलिए, अभी जो हम लारेटा के पास आ चुके हैं और देखेंगे कि कितने बजे, जो ज़्यादा जो टाइम है गाड़ी निकलने का यहाँ से, वो मेरे ख्याल में 12:15 पे है। और अभी मैं चेक करता हूँ जाके अड्डे से कि वो गाड़ी कितने बजे निकलेगी। अभी जो तकरीबन हम जो है वो ये यहाँ से सियालकोट से अगर आप लाहौर जाना तो ये आपका अड्डा है, और अभी हम आगे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे वाला जो हमें जान की जो बस है वो मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। ये एक और स्टैंड आ गया आगे बस का, ये देखें। और ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है डस्का गुजरां वाला, ये जा रहे हैं डस्का गुजरां वाला। लारेटे के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। पहली बस जो थी वो गुजरां वाला जा रहा थी ये रावलपिंडी, इसके बाद किसका नंबर होगा ये मुझे नहीं पता, ये तो बोर्ड देखने में भी पता चलेगा। ये आ गए हम मेन लारिया ढाबे, और मुझे उम्मीद है कि हमें जो है वो जान की बस, जो कि अभी टाइम पे रेडी होगी, तकरीबन 11:30 हो चुके हैं, 12:15 होने वाले हैं, और वो जो गाड़ी है वो निकलती है तकरीबन। वो देखें जी, हाल खैर। और मुझे लगता है कि ये नॉन स्टॉप कंपनी टाइम सियालकोट, ये अल सैयद शाहीन का टाइम है, अल सैयद का है। और
हमें टाइम मिल गया है जंग का, अमला भी जंग का है और ये सारे अमला जो है आई होप कि ये हमें जानता हो। अभी हम गाड़ी में इंटर हो रहे हैं, ये है गाड़ी मिल चुकी है, अभी खाली है सारी गाड़ी यार, और ये 12:15 बजे यहाँ से रवाना होगी। अच्छा जी, हम फाइनली बस में आ गए हैं, जंग की बस में, और अभी जो है वो आधा घंटा बाकी है, 12:15 बजे यहाँ से निकलेगी, और अभी मेरे ख्याल में काफ़ी सारी तकरीबन सीटें खाली हैं, तो टिकट लेते हैं और बैठते हैं, फिर इंशाल्लाह ट्रैवल शुरू करेंगे। गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अड्डे से तकरीबन बाहर निकल आई है और मज़ीद 10-12 मिनट का इंतज़ार किया जा रहा है। 12:15 से ये जो है गाड़ी वो जंग की तरफ रवाना हो जाएगी, और अभी हमने टिकट ले लिया है और हम बैठ चुके हैं, और इंशाल्लाह जो 12:15 से ये जो है वो गाड़ी निकल जाएगी यहाँ अड्डे से, और 15 से 20 मिनट लगेंगे जो है वो शहर से निकलते हुए। तो सारा अवाल जो आया वो आपको वीडियो में मिलेगा, हमने वीडियो एंड तक देखना। अच्छा जी, तकरीबन कुछ सवारियां जो है वो आ चुकी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और अभी ये 12:15 बजे इसने निकलना था, लेकिन अभी 12:25 हो चुके हैं और ये 12:30 से यहाँ पे से जो है वो रवाना होगी। अभी इंतज़ार किया जा रहा है 5-7 मिनट और उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो ये गाड़ी जो है वो रवाना हो जाएगी। अच्छा, गाड़ी में अभी हमें कुछ दोस्त मिले हैं, स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ से जो है वो जा रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं, इनसे नाम पूछेंगे, उसके बाद जो है उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अच्छा इरफान, अदर आप हमें क्या सुना रहे हैं? शेर सुना देंगे आपको कोई, चलें सुनाएं। पंजाबी में या उर्दू में मर्जी सुना दें, पंजाबी में सुनाना, पंजाबी में सुनाना, उर्दू में। क्या नाम है आपके, नाम का बता। मेरा नाम तबस्सम है। तबस्सम साहब नु दसना के तेरे नाल प्यार सी ढेर सारा हर है बताई ते कजिया मैं इंजई ते कोई जगह तो दस मेनू बेदर्दा जिथे कंड वहा के भजया मैं इंजई और जेडी जगह ते तेनु लोड पई ओथे भज भज के तेनु रलिया मैं हुन बस हो गई है बेनसलिया ऐ वे तेरे तो रजिया मैं जियो ओ जियो। जबरदस्त यार, क्लैपिंग होनी चाहिए यार। अच्छा, एक भाई क्लैप कर रहे हैं। चले और कोई चीज कोई सुनाना चाहे आपके फ्रेंड नारों के अलावा कुछ सुना दें यार, कोई और दोस्त सुना दें। कोई सुना दें, चलें जुगते सुना दें, दो चार बंदे का ब्याह होया, बंदे का अपनी बुढ़ी ने आता तेरे मुँह से दंद ही कोई नहीं दंद है उन्होंने नजर वो आँदी मुँह वाले पास ते आ। अच्छा भाई जान, तुसी हुण? मैं शरीफ बच्चा। ओए होए, मैं बोदा शरीफ। कोई होर तो अच्छा जी, हमें सियालकोट से निकले हुए तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है, और अभी तक हम जो है वो 10 का क्रॉस करके अभी गुजरांवाला पहुँचने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आज हम 8 बजे के करीब जो है वो जंग पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं पिंडी बाईपास गुजरांवाला, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे स्टे होगा 5-10 मिनट, उसके बाद आगे जो है वो गुजरांवाला शहर की तरफ रवाना होंगे। जी अभी हम जो है वो गुजरांवाला आलम चौक में पहुंच चुके हैं, और अभी यहाँ पे स्टे होगा आधे घंटे का, उसके बाद जो है वो रवाना होगा यहाँ से।
अभी हम हाफ्साबाद जिना चौक पे जो है वो पहुँच चुके हैं। अच्छा जी गल है जे कि हाफ्साबाद चो निकले हैं तो बाबा जी और साढ़े नाल बैठे हैं तो इन्होंने कहा कि साढ़े भी जरा वीडियो रिकॉर्ड करो तो इन्होंने तो ना पुछता है कि कहने अस्सलाम वालेकुम की नाम है तुहाडा? बशीर मेरे नाम है। बशीर अच्छा दसो भाई इतों का स्टाप आना कि वह कि गए हो बालन बुलन चुकी वे होते हूँ जी मैं गया कहे सुखे जी वो तो बालन आंदा ओके हाथ में सदवी अगो भट्ठा ओडाला अगो नवे शहर अगो मुठ रसूलपुर अगो मुठ सोलगी अगो जलालपुर अगो टाली अगो पिंडी बटिया जगह मैं अगो पता कोई चलो बड़ी बड़िया गां जासी ते अगो इंशाल्लाह साडा चिन्योड़ ते चिन्योड़ तो अगो फिर साडा जंग ते असी अपने मंजिल मकसद ते पहुंच सा है ते हुण बालन लै चले ओके दा के आ ते बालन स्पेशली खवाया आपना बदल दा मैं स्पेशल लैन है बालन दी कोई खास गल है हां जी ओके आ ते बालन टिकट टल ओए मैं जाना हूं जैसे जैसे सूरज जो है वो मगरब भी जान जा रहा है गरीब होने को तो वैसे वैसे ही हमारा जो सफ़र थी वो समेट कर जो है वो थोड़ा होता जा रहा है कम होता जा रहा है और अभी पिंडी बटिया के करीब पहुंच चुके हैं तो तकरीबन 10-15 मिनट का सफ़र है। पहले पिंडी बटिया बाईपास आएगा उसके बाद जो है वो पिंडी बटिया शहर आएगा। तकरीबन 4.5 घंटे हो गए हमें जो है वो रवाना हो गए मजीद जो है वो 2-2.5 घंटे हमें लगेंगे अपने घर तक पहुंचने के लिए। अच्छा जी हमने फ्रूट ले लिए घर के लिए बच्चों के लिए ये सेब जापानी और केले ये हमने ले लिए हैं अभी पिंडी भट्टियों से तो अभी हम शहर में दाखिल हो चुके हैं पिंडी भट्टियों शहर में। अच्छा जी फाइनली हम चिन्योड़ पहुंच चुके हैं और चिन्योड़ से 1 घंटा जो है वो आगे मेरा जो है वो गांव आएगा रास्ते में ही आएगा जंग की तरफ जंग और चिन्योड़ के दरमियान। अभी गाड़ी तकरीबन चिन्योड़ में खाली हो चुकी है तमाम सवारियां जो हैं तकरीबन आधी गाड़ी जो है वो खाली हो चुकी है आधी सवारी जो है वो उतर चुकी हैं उतर रही हैं और अभी जो है यहाँ से भी जो कुछ मुसाफिर जो है वो ट्रैवल करेंगे जंग की तरफ क्योंकि ये गाड़ी जो है वो जंग जाके रुक जाएगी। और अभी ये अब न्यू सवारियाँ जो यहाँ से चिन्योड़ से रवाना हो रही हैं जंग की तरफ अब ये गाड़ी फिर जो है वो फुल हो जाएगी जो कि आपको खाली जो है वो सीटें नज़र आ रही हैं। ये भाई चने नीम को दाल बेच रहे हैं पानी बोतलें बड़े जूस से पानी बोतलें
अच्छा जी, अब हम सीहोर से निकल चुके हैं। सीहोर से आगे एक घंटे का जो है वो सफ़र है, लेकिन आपको मेरी हालत भी बहुत बुरी लग रही होगी और काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो बालों पर पड़ चुकी है। और अभी एक घंटे का और सफ़र है, उसके बाद जो है मेरा जो है स्टॉप आएगा, उससे आगे 2 किलोमीटर दूर जो है वो मेरा कार है। तो मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है, अभी जो ये ब्लॉग है वो यहीं तक होगा। और व्लॉग अगर अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपने मेज़बान टैग रखने और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।